हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई अपना नहा धो के आज रेडी होके आज हमें निकलना है यहाँ से अबू धाबी। अबू धाबी से फ़्लाइट है रात की, तो सुबह निकलेंगे। चेकआउट भी है 12 बजे का। तो ये बैग की आते टाइम चैन ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा पहले चैन चेक करा, थोड़ा दूर है चैन वाला, कल रास्ते में देखा भी था, बट कल देख गया था मेरे को, मैंने कहा था कल सुबह आके करा लूँगा। तो पहले चल रहा हूँ, आ गया, मैं रेडी हो रही थी, मैंने कहा मैं फिर आता हूँ, देखो कितना टाइम लगता है, फिर यहाँ से सीधा टैक्सी करके फिर बस, फिर यहाँ अबू धाबी। यहाँ पर जिम्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हर गली में जिम, हर गली में जिम, और डाइट भी लोगों को बढ़िया मिल ही जाती है। तो चलो चलते हैं इसे पैदल पैदल। भाई आ गए थे अपना कराने, यहाँ पे शॉप तो खुली है, टहनी यहाँ पे मोची होते हैं, फर्स्ट टाइम देखा है शॉप। और यहाँ पे अंकल है नहीं, अभी आते हैं तो रिपेयर कराते हैं हम, पता नहीं कहाँ चले गए यार। बड़ी मुश्किल से एक शॉप मिली है, पहले गए थे एक शॉप पे, वो तो बंद पड़ी थी, वही शॉप पे देखो हो जाए हमारा काम। तो बड़ी तो है चैन वैन। तो भाई यहाँ की खास बात है ना, यहाँ किसी को जाना है ना, ना कोई शॉप पे लॉक लगा के जाता है ना कुछ, और रात को भी ना कोई शटर जाना कुछ, बस लॉक करो अपने डोर को और ईजी अपना चले जाओ। और हमारे वहाँ दुकान खोली मिल जाए, चोरियाँ 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 चोरियाँ, वेट करते हैं भैया यार, अभी तक तो है नहीं। निकल गए हैं, हमने टैक्सी वैक्सी बुक कर दी थी, अगर टैक्सी भी आ गई, लगेज सब टैक्सी में रखते हैं, चलते हैं बस स्टेशन। बस स्टेशन पहुंच गए थे और ये हमारी बस, इसमें जाएंगे, लगेज यहाँ पे रख दिया था, अब आ गई ये वॉशरूम मॉल के अंदर, फिर यहाँ से निकलेंगे। अब 1.5 घंटे 2 घंटे का रास्ता बस पे, डेट अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रात की हमारी फ्लाइट है, वहीं लॉन्च में बैठेंगे, चलते हैं एक बार। वही 12:30 हो गए और निकल गए अपना अबू धाबी के लिए, और यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है, 2 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली पहुँच जाएंगे हम अबू धाबी। फिर वहाँ पे एयरपोर्ट पे अपना बैठेंगे लॉन्च वगैरह में, शाम की फ्लाइट है हमारी रात की, चलते हैं आगे। तो भाई एयरपोर्ट पहुंच गए थे, और इस एयरपोर्ट में कुछ भी नहीं, अबू धाबी में टर्मिनल 2 था, अभी तो एंट्री भी नहीं है हमारी, क्योंकि हम 2 बजे पहुंच गए हैं और 9:40 की फ़्लाइट है, और 6 बजे चेक इन स्टार्ट होगा। तो जब तक 4 घंटे से वेट करना है यहाँ पे, कॉफ़ी ले लिया अपनी, कॉफ़ी पीते हैं, इंतज़ार करते हैं। कुछ भी नहीं है, खाली एयरपोर्ट है, एक रेस्टोरेंट है वैसे, और कुछ भी नहीं है। ऑर्डर किया था, ये आ गया, ये खाते हैं, क्या क्या था वो खाते हैं फिर, ओपन सैंडविच एंड बर्गर खाते हैं फिर, वेट करना ही पड़ी हमने। तो भाई बैठे बैठे बोर हो रहे थे, सोचा अपना ब्लॉग ही जनरेट कर ले, ब्लॉग एडिट करके कंप्लीट अपलोडिंग पे लगा दिया है, इतना अपलोड हो जाएगा। खाली बैठे हुए हैं, थक गए बैठे बैठे यार, अभी तो 3 घंटे और बचे हैं, अभी टाइम हो रहा है 3:42 हो रहे हैं, और 6 बजे तक भी ऐसे बैठना, 2 घंटे और, 2.25 घंटे इसको अपलोडिंग पे लगाते हैं। तो भाई इसकी वेट कर रहे हैं, और लाइन्स तो स्टार्ट हो गई है, लगना फर्स्ट नंबर हमारी है, और जो कितनी लंबी लाइन लग गई है, दूर दूर तक शाम हो चुकी है, 6 बजने वाले हैं, और 6 बजे आप कह रहे हैं 6:30 7 बजे तक। डोर कुछ भी नहीं है सर, रोड पर खाली पड़ा है, खाली, अब आना चालू हुआ लोगों भी, सिर्फ जो दिल्ली की एक आध फ्लाइट है बस, यहाँ पे खाली टर्मिनल है पूरा, परेशान हो गया तो। मोटी मोटी परेशान हो गए, ठीक नहीं है इसको, तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई यहाँ पे, वॉमिटिंग
पागल हो क्या? आप इसे करते वॉमिटिंग आ रही है क्यों? सुबह से कुछ खाया नहीं है। हाँ फट रहा है। हाँ हाँ तो फटेगा ही फटेगा। और मत खाओ, सुमन का नाश्ता कर लो। हाँ हाँ मैंने बोला था कि लेकर आना, इधर पैकिंग भी मैं करूँ है ना। पैकिंग मैंने की है सारी, मतलब वही है ना, एक सारा क्रेडिट लेने वाला। पढ़ना है क्या? मेरे को पता मैंने किया है। भाई निकल चुके हैं, पहला पहला नंबर ये मारा था, सबसे आगे थे, कोई लाइन नहीं है। चलो देखते कहाँ जाना है। एयरपोर्ट आज हम नहीं बोले तो भाई अपना बोर्डिंग पास मिल गया था, बोर्डिंग पास, और इमिग्रेशन पर नंबर हमारा ही है तो स्टार्ट हुई इमिग्रेशन। भाई अपना वेट रिफंड वगैरह जो भी था वो यहाँ पे हो रहा था, वो सब हमने करा लिया, और जो वहाँ पे थोड़े बहुत 100-200 दिरहम बचे थे उसको टैक्स में कन्वर्ट, मतलब टैक्स में कह रहा हूँ अपनी करेंसी में कन्वर्ट कराना था, वो भी हो गया है। चेयर पे बैठे थे, उन्होंने बोला जिनका पासपोर्ट है उन्हें मिटाओ। हाँ तो पासपोर्ट आपका हो गया तो क्या हो गया। और ये देखो खाने में लगी पड़ी हैं, खाओ 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 खाओ। और भाई 8:40 पे बोर्डिंग है, 8:40 पे जाएंगे अंदर, 9:40 पे फ्लाइट है। इंडिया के हिसाब से नहीं, यहाँ के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से 11:10 की फ्लाइट है हमारी। और यहाँ नॉर्मल है, लॉन्च में लॉन्च बना हुआ पीछे, बट लॉन्च लॉन्च ओपन ही नहीं हुआ, तो बैठे हैं भाई यहीं पर ही खाते हैं। अब तो खा नहीं रहा। अच्छा ठीक है। तो भाई बोर्डिंग का टाइम हो गया, और 8:40 का बोर्डिंग का टाइम था, और टाइम हो गया कितना हो गया, टाइम हो गया मैं बता रही हूँ ज़्यादा ही हो गया, 10-15 मिनट अभी तक गेट खुला नहीं है, और वी आर वेटिंग। और बहुत सारा खा लिया, बैठने का मन नहीं है, सही में है ना, मोटी हो गई कितनी। ओ बॉय साहब कैमरा गंदा हो रहा है। अच्छा आपकी शक्ल गंदी है, कैमरा गंदा नहीं हो रहा, सॉरी। Prepare your passports and boarding pass to Delhi. Divyansh? Yes. Thank you. Thank you. No bus. भाई बस अभी आया नहीं, और हम पहले आगे खड़े हो गए, बोर्डिंग टू डन हो गया हमारा। इतने व्यू देखो बाहर का, सब जगह पहले नंबर पे चल रहे हैं हम दोनों का बोर्डिंग हुआ, सारे पीछे वेट कर रहे हैं। उनको पता है हमारे पापा आ रहे हैं लेने। हाँ शिव हमारा होगा भी लेने। भाई आ गई बस, क्या पता है एक ही हो, पर बेकार है बहुत, प्लेन बहुत बेकार है। यस चलो चलें अंदर चलते हैं, भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। अपना निकल चुके हैं यहाँ से, और देखो भीड़ कितनी हो रही है। सबसे लास्ट, सबसे पहले हमने सबसे लास्ट, आगे आगे जाने में तो बस। ओके बाय। कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय टू दुबई, अबू धाबी, बाय बाय। हाँ ये तो रहा एयरपोर्ट, तो चलो बहुत भीड़ हो चुकी है यार। सही है, सबसे पहले चढ़े थे खाली खाली, सबसे लास्ट में खाली खाली, सब सेटल हो जाएंगे अंदर। सबसे बढ़िया ये है इतिहास। हाँ जी ये फ्यूल है आई थिंक।
एनर्जी फॉर लाइफ। चलो भीड़ इतनी हो रही है अंदर, हम तो दोनों बाहर बैठे हैं। बहुत मस्त मौसम हो रहा है यहाँ पे, हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी सी, मस्त हवा चल रही है, जैसे हमारे वहाँ सितंबर के आसपास, मतलब हवा थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्म होती है ना, बहुत सही हवा। चलो भाई फ्लाइट में, भाई बहुत छोटी सी फ्लाइट है, तो फ्लाइट तो बहुत लंबी थी, और मतलब उसमें डबल डोर से आगे भी था पीछे भी था, इसमें है फ्लाइट बहुत छोटी है, इसमें नॉर्मल ही है सब कुछ, ना बिजनेस क्लास है कुछ भी, तो इकोनॉमी क्लास ही है यहाँ पे। चलो 18, 9, 20 यही है। That's what I said, ना? रात की फ्लाइट थी और यहाँ बज रहे हैं हमारे 12:30, एक बजने वाला है और एक चिकन स्प्रिंग रोल खा रही है। 12 बजे पहले खाया मैंने, कहा चलो कोई नहीं, फ्लाइट और एग्जिट। चलो और कस्टमर कुछ पंगा ना पड़े, पकड़ ना ले, चेकिंग ना हो जाए, नहीं तो पकड़े जाएंगे तगड़े ही, हैं कस्टमर कुछ पंगा ना हो। एग्जिट चलो। हाँ दस दिन टिका के आ गए, कोई पिटाई नहीं होती। चलो चले, कैप्टन पायलट एंड को पायलट पूछता हूँ। एयरपोर्ट पहुँच गए, तो देखो यहाँ पे इमिग्रेशन की लाइन, भाई 2 घंटे में नंबर नहीं आता। चलो वेट करना पड़ेगा, क्या कर सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, पर ये बहुत गलत है। फाइनली पहुंच गए तो गाड़ी में मोटी, चलो घर जाके सोएंगे। फाइनली घर पहुंच गए, और भाई इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, अब सोएंगे शांति से अपना घर।